माशाल्लाह ज़्यादा वाइट कलर में है, ब्लैक में तीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन। तो दोस्तों बच्चे हम लोग 29 बच्चे लेकर आए थे, जिसमें से आपने देखा 18 बच्चे बचे हैं, बाकी के 10 बच्चे जो है ना वो एक तो हमारी इस गाय ने पैर के नीचे रख के मार दिया, और एक जो है ना इस बकरी ने मार दिया पैर के नीचे रख के, बाकी के जो 8 थे वो यार कव्वे उठा कर ले गए हैं। तो कल हम लोगों ने फिटर चलाया हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग मसरूफ थे, कल सारा दिन हमारा उधर गुजर गया, तो पीछे से पता चला हवेली पे मैंने बच्चे छोड़े हुए थे, तो वहाँ से कव्वे उठा कर ले गए हैं बच्चों को। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना उनको कव्वे उठा कर ले गए हैं, तो जो बड़े थे ना वो तो नहीं उनके हाथ आए, ये कुछ बड़े हैं, तो इनके अंदर कुछ छोटे भी थे उनको तो कव्वे उठा कर ले गए हैं। तो यार बहुत ही बैड न्यूज़ थी आज तो हमारे लिए, तो यार बहुत बुरा हुआ है, मैं बहुत मुश्किल से लेकर आया था, मिलते भी नहीं थे, बहुत ही नुकसान हो गया हमारा। तो यार हम लोग कल वहाँ पे मसरूफ़ थे खेतों में फिटर चलाने के लिए, तो पीछे से कौओं ने हमला कर दिया, तो ये हमारे साथ हादसा जो हो गया है। अभी ये देखें मैं बाहर लेके आया हूँ, एक बच्चा ये देखें ये भी बीमार लग रहा है, जो ऐसे बच्चे थे ना ये देखें उनको कौओं ने उठा लिया, ये बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तो यार कोई बात नहीं, हम लोग और भी लेकर आएंगे बच्चे इंशाल्लाह, ये देखेंगे अभी कुछ बच्चे उधर, ये देखेंगे ये भी हैं, पानी में इंजॉय कर रहे हैं, ये देखें मैंने जो पानी भरा हुआ है ना इनके लिए वो पानी नहीं पीते, उधर जाते हैं जो पानी का पानी है ना वो पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, जो बतखें वगैरह होती हैं आपको पता है वो पानी गंदा वगैरह पी के तो वो खुश रहती हैं, तो वो उधर जाती हैं, तो जो मुर्गी के बच्चे हैं वो भी उनके पीछे जाते हैं। तो मैं इनके लिए साफ़ पानी ले कर आया हूँ, ये देखें ये साफ़ पानी है इनके लिए, ये नहीं पीते, उधर जाते हैं पानी के पास तो उधर से पानी पीते हैं, बतखों के जो बच्चे हैं ना वो पानी के पास जाते हैं तो पीछे मुर्गी के बच्चे जाते हैं, आपको पता है कि ये बतखों के जो बच्चे होते हैं ना ये गंदे पानी को पी के ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये देख लें हमारी न्यू भैंस, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत भैंस है हमारी ये न्यू, तो ये इसका बच्चा है, काफ़ी कमज़ोर है बच्चा जो है, ये देखें। तो भैंस हमारी देख लें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, ये देखें ये जो है ना भैंस हमारी, ये हमारे पास पहले से मौजूद है, वो देखने आई है, उसको ऐसे लग रहा है जैसे मेरी वीडियो बन रही है, उसको पता चल गया। और ये जो भैंस है ये भी आपने पिछले व्लॉग में देखी है, ये भी हमारे पास पहले से है, ये देखें बच्ची के पाँव के नीचे ना जो दाना चुग रहे हैं, तो यार ये मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर, ये देखें तो वो जब पैर उठाएगी अपना तो उसके नीचे आ जाएंगे, ये देखें कैसे उसके पाँव के नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे ही पहले भी इसने एक मारा है, एक भैंस ने मारा है और एक बकरी ने मार दिया था, और मुझे जो कौओं ने उठाए हैं ना उनका बहुत दुख है, ये देखेंगे
बकरी हमारी जो है ना, कल मैंने इसके लिए द्रेक लेकर आया था, तो कल से ये द्रेक खा रही थी, कुछ बस भी रही है, ये देखेंगे पड़ी हुई है। तो बकरी हमारी जो है ना अभी भूखी है, ये देखें। तो बकरी माशाल्लाह से मैंने आपको पहले ही बताया था प्रेग्नेंट हो गई है हमारी, तकरीबन एक माह हो गया इसे प्रेग्नेंट को। तो इसकी जब डिलीवरी होगी तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाऊंगा इसकी जब डिलीवरी केस होगा। तो ये इनसे मिलिए जी हमारे शोनू मोनू को, बोझ तानी करता है यार ये। ये देखें अभी स्टार्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा ये जो है ना शैतानियाँ करता है। ये जो बड़े मुर्गे हैं ना, ये इनको ना पानी भी नहीं पीने देते हैं। ये देखें भैंसों के नीचे जा रहे हैं, तो पहले भी इसी वजह से जो है ना मरे थे ये, पाँव के नीचे जाते हैं तो वो फिर कुचल देते हैं, उनको नहीं पता। तो इनको भी यार नहीं पता, ये बच्चे ने क्या पता है कि हम लोगों ने मर जाना इधर जा के। तो देखें भैंसों के नीचे ही आ रहे हैं वो, देखें जी। तो अभी जो है ना 2 से 3 घंटे जो है ना तकरीबन टाइम हुआ है 11 का, तो तकरीबन शाम तक इधर ही जो है ना ये घूमे फिरेंगे। पानी मैंने इनके लिए रख दिया इधर, तो बाजरा वगैरह भी मैंने रख दिया। तो फिर शाम को आऊँगा इधर हवेली पर, फिर इनको लेकर जाऊंगा इधर से मैं। तो इतनी देर तक ये यहीं रहेंगे। तो यहाँ पे ना हवा भी है ठंडी, तो जो है ना खुली फिज़ा है, तो छाँव वगैरह भी है, सब कुछ इधर मौजूद है। तो इसलिए मैं इनको इधर ले आता हूँ, तो ये बहुत ना खुश हो जाते हैं इधर घूम फिर के। तो शाम तक तो यहीं पे रहेंगे, फिर मैं शाम को आऊँगा इनको लेकर जाऊँगा। ये देखें जी माशाल्लाह ये सील बच्चे हैं सारे। ये हमारे पास ना एक शॉप है, चाचू हैं एक, तो उन्होंने ये बच्चे निकलवाए हैं, ये देखें माशाल्लाह। और ये भी हैं उनके ही हैं, ये देखें ये पिंजरा वगैरह रखा हुआ है, उन्होंने सारा सेटअप बनाया अपनी छत पे। उनसे मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि एक मुर्गी और एक मुर्गा जब बड़े हो जाएंगे ना मैं आपको दूंगा इनमें से, जो सील हैं तो इनमें से हम भी लेंगे 2 बच्चे। देखें माशाल्लाह, और एक मुर्गी ये है, इसके पीछे भी बच्चे हैं, ये देखें ये भी इसी के बच्चे हैं। ये 15 बच्चे थे, जिसमें से 5 या 6 तकरीबन बच्चे हैं, बाकी मर गए हैं। ये देखें ये बतखें हैं इनकी चाचू की, ये चाचू लोगों की बतखें हैं, ये देखें ये भी इनकी हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा जो है ना मुर्गी मुर्गे रखे हुए हैं ना। जब ये बड़े हो जाएंगे ना, एक मुर्गी और एक मुर्गा लेंगे, तकरीबन 10 या 15 दिन के अंदर अंदर ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, फिर इनसे लेंगे एक मुर्गी और एक मुर्गा सील जो है उनमें से लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इन्होंने 15 अंडे जो है ना मुर्गी के नीचे रखे थे, जिनमें से एक जो है ना अंडा गंदा निकला था, बाकी जो है ना 14 बच्चे निकले हैं। इतने खूबसूरत है माशाल्लाह, ये मुकम्मल ही सील हैं सारे के सारे, 14 के 14 सील हैं। माशाल्लाह ज़्यादा वाइट कलर में है, ब्लैक में 3 है। तो जी ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।